आज हम बात करेंगे कि अपने 60s की एज में अपनी स्किन का ध्यान कैसे रखें। जैसे जैसे एजिंग होती है तो एजिंग के चेंजेस जैसे कि फाइन लाइंस, व्रिंकल्स, स्किन टैग, मोल्स का बढ़ना या पिगमेंटेशन, रफ स्किन, ये सारी चेंजेस काफी अधिक मात्रा में हो जाते हैं। इनको बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए आइए हम कुछ टिप्स जानते हैं। सबसे पहले, अराउंड 60s आपकी स्किन काफी डेलिकेट होती है और इसे मेंटेन करने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि बहुत ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म पानी ना यूज करें। इससे आपकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो वॉश ऑफ हो जाता है और स्किन ज्यादा ड्राई हो जाती है। आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग सोप या क्लींजर्स ना यूज करें। इनकी जगह आप माइल्ड क्लींजर्स, फेस वॉश या नॉन अल्कोहलिक टोनर्स का यूज करें। अगर आप स्किन में काफी ड्राइनेस महसूस करते हैं तो दिन में एक या दो बार मॉइस्चराइजर का उपयोग जरूर करें। आप ध्यान रखें कि ये मॉइस्चराइजर हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड, ग्लिसरिन या सिलिकॉन बेस्ड हो, जो आपकी स्किन में मॉइस्चर को रिस्टोर करेंगे और उसे हेल्दियर बनाएंगे। कुछ लोगों में मॉइस्चराइजर्स के बावजूद भी काफी ड्राइनेस रहती है, वो लोग ऑयल्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि फेशियल ऑयल्स, जिससे आपकी स्किन पर एक हल्की सी लेयर बनी रहेगी और शरीर से हाइड्रेशन या मॉइस्चर दूर नहीं होगा और स्किन की क्वालिटी भी काफी अच्छी होगी। अगर आप काफी ज्यादा ड्राइनेस महसूस करते हैं और अभी तक अगर आप किसी भी फॉर्म में आपके डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से रेटिनॉल्स यूज कर रहे हैं तो आप इनका यूज भी रोक दीजिए, जिससे कि आपकी एक्सेसिव ड्राइनेस कंट्रोल हो जाएगी। अगर आप देखते हैं कि आपके फेस पर किसी भी तरह के स्किन टैग्स या मोल्स का बढ़ना या कोई रफ स्किन पैच, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और इसका इलाज कराएं। अपने स्किन का अच्छे से ध्यान रखिए और हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पाइए। थैंक यू।